तो रोडवेज बस स्टैंड के ठीक सामने है ये रेलवे स्टैंड। तो कुछ ऐसा दिखता है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, और ये है अंदर जाने का गेट, और यहाँ पे लगा हुआ है देश का झंडा, इधर टिकट मिल जाएगी, और ठीक सामने है ये रोडवेज बस अड्डे के। तो भाई बड़ी मुश्किलों के बाद ट्रेन की टिकट तो मिल चुकी है, सामने खड़ी है हमारी ट्रेन, अब चलते हैं फटाफट। तो अभी ट्रेन ने लिया है पहला स्टॉप, और भाई लिटरली यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी पैसेंजर मुझे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और इस स्टेशन का नाम है रायवाला जंक्शन। देख रहे होंगे कि ये जो पोल लगे हुए हैं लाइट के, इन खंभों पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन नंबरों का क्या काम है? अगर भाई तुम्हारी कुछ कीमती चीज जैसे फोन वगैरह अगर गिर जाए, तो भाई तुम आरपीएफ की हेल्पलाइन 182 पर कॉल करके और उन्हें इस पोल का नंबर बता के अपनी चीज को आसानी से तुम ढूंढ सकते हो। Hey, what's up guys? Welcome back to another vlog. So guys, आज के इस vlog की शुरुआत हो रही है देहरादून से। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ, और देहरादून में अभी हम हैं, और भाई साहब क्या खतरनाक मौसम हो रखा है देहरादून का। वैसे हम हरिद्वार से आए हैं अभी, और हरिद्वार में काफी ज्यादा धूप है, और देहरादून में तो भाई साहब काले काले बादल छाए हुए हैं फिलहाल, और हवा भी काफी ठीक ठाक सी चल रही है, लेकिन थोड़ी उमस है मौसम में। और हम आए हैं देहरादून, और अब यहाँ पे घूमेंगे थोड़ा। मैं पहली बार आया हूँ देहरादून, और देहरादून के रेलवे स्टेशन पे, वो काफी बड़ा है रेलवे स्टेशन, वहाँ तक नजर जा सकती है, वहाँ तक पूरा स्टेशन ही स्टेशन है। तो स्टेशन से निकलते ही हम एक रोड पे पहुँच गए थे, इसका नाम था धारा रोड, और अब यहाँ से चलते हुए हम जा रहे हैं। तो इस जगह का नाम है आड़त बाजार, और काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, काफी ज्यादा भीड़ है। तो गूगल मैप की डायरेक्शन फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं अभी, और अभी हम एक बाजार में पहुंच चुके हैं, और काफी ज्यादा सुंदर है अभी बाजार, और भीड़ बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। तो गूगल मैप को फॉलो करते हुए अभी हम जा रहे हैं एक मस्त सी जगह पे, मस्त सी चीज देखने के लिए। अब देखते हैं वो चीज कितनी मस्त है और कैसा लगता है, देखते हैं, चलते हैं। अभी जिस गली में मैं हूँ, इस गली का नाम है चाट गली। यहाँ से अभी निकल के हम आए, और देख लो भाई साहब कहाँ पे हम आए हैं। ये है एक देहरादून की एक फेमस जगह, घंटा घर। तुम लोगों ने देखा देहरादून का एक फेमस घंटा घर, और अब देख लो ये तारों का शहर, ये है तारों का शहर। घंटा घर के ठीक सामने है ये पल्टन बाजार, इसमें काफी ज्यादा भीड़ रहती है। देहरादून का ये वाला इलाका कुछ ऐसा है, इधर की साइड ना बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ये देखो इधर भी और इधर भी भीड़ काफी ज्यादा है भाई, और काफी सारे एरिया ऐसे हैं देहरादून में जहाँ अच्छे से घूम सकते हैं, लेकिन इधर का एरिया वैसा नहीं है। और एक और चीज बताऊं तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद ही चौक्स बने हुए हैं, अभी मैं कम से कम चार चौक दिखा सकता हूँ, और ये पांचवा चौक है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। जहाँ से इस व्लॉग की शुरुआत हुई थी, अभी हम हैं देहरादून के रेलवे स्टेशन पे, और भाई 5 बजे की हमारी ट्रेन है, 5 बजे की अभी सिर्फ इतना ही टाइम हुआ है, 3 भी नहीं बजे, और भाई यहाँ पे देहरादून में हो चुकी है बारिश स्टार्ट। अभी तो बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कब तेज बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम काफी बारिश वाला हो रखा है फिलहाल। 5 बजे तक वेट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, देखते हैं अगर बारिश रुकी तो जाएंगे कहीं पे घूमने, नहीं रुकी तो भाई यहीं पे रुकेंगे, 5 बजे ट्रेन आएगी फिर उससे जाएंगे हरिद्वार। नहीं, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम वहां से वापस नहीं आ पाए बारिश के कारण, तो
काफी दिक्कत हो सकती है क्योंकि टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी है हमारी। सो भाई अभी मैं यहाँ पे घूम ही रहा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे कुछ मेरे दोस्त मिले और मिलवाता हूँ तुम्हें भी इनसे। सो ये है हमारी गैंग, तो ये सब सब्सक्राइबर है अपने। तुम्हारा क्या नाम है भाई? जे। जे? हाँ। भारत माता की जे? हाँ। बस तुम्हारा? हिंदुस्तान। भाई मैं तो नाम पूछ रहा था यार तुम लोगों से। मांगना नहीं चाहिए ना, पतंग ले रखी है तुमने, इन्हें बेच दो। बैंकर बिजनेस, दिस इज बिजनेस।